अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल वेबसाइट। सो क्वेश्चन टीचर्स की जो है 29 जून, यानी कि आई थिंक कल की, ठीक है, ये टेस्ट है। आई नो काफ़ी लेट हो गया अभी, बट शेयर कर लेती हूँ। कल टेस्ट है, 1 जुलाई है कल, और काफ़ी बच्चों का टेस्ट है कल। सो होपफुली आपका टेस्ट अच्छा हो। और चलिए डिस्कस करें, थोड़े से एमसीक्यूज इसमें, कुछ रिपीटेड भी हैं, प्रीवियस टेस्ट भी आए हुए हैं, तो जल्दी हो जाएगा। वॉट इज द नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर है बी, वीक एसिड। विच एलिमेंट स्टार्स ग्रुप 17, स्टार्स फ्रॉम ग्रुप 17 इन पेरिडेमिन? तो राइट आंसर इसका है फ्लोरीन से शुरू होता है ग्रुप 17। वॉट इज द कन्विंस्ड फाइट बिटवीन टू इंग्लिश मैन कॉल्ड? राइट आंसर इज बी, 12। आई थिंक इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आया हुआ है। x + y, x - y इक्वल्स, तो राइट आंसर इसका है p x² - y², यानी कि a² - b² का फॉर्मूला जो है ना, वो अच्छा है। a + b की जगह x² कर दिया। व्हाट इज द वर्क डन इवन अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज 10 मीटर? तो इसका राइट आंसर होगा 50 जूल। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे वर्क डन का है w = f × d, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वर्क जो भी होता है, डिस्टेंस है 5 न्यूटन × 10, तो 5 × 10 = 50 हो जाएगा, जो कि वर्क टर्न हो जाएगा, जूल में आ जाएगा। बर्ड्स डैश द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0? तो sin 0 की 0 वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडिकल a - 4 व्हेन a = 0? अच्छा, ये पता नहीं कि ए लिखा हुआ था, फिर एक स्पेस था, फिर -4 लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता a - 4 है या सिर्फ o - 4 था। अगर सिर्फ -4 होगा तो जो है इस तरीके से 2 iota का आंसर आ जाएगा। फिर मैंने इसको ऐसे देखकर कंसिडर किया, क्योंकि a की वैल्यू मुझे नहीं पता कौन सी दी हुई है उन्होंने, तो मैंने सोचा कि व्हेन a = 0 तो क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अगेन 2 iota। अब इसमें 0 जैसे ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा -4। -4 का मतलब, माइनस का मतलब है आयोडा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 4 का हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 iota इसका आंसर। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 3 + 4 iota रिक्वेस्ट? राइट आंसर इसका है 3 - 1। इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 रोज एंड 3 कॉलम, व्हाट इज दिस ऑर्डर? राइट आंसर इज 4 × 3। इस तरह के 3 to 4 MCQ आए हुए थे, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। एग्जैक्टली ये MCQ नहीं आया हुआ था, एग्जाम्पल। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इस तरीके से अगर पूछे 8 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, तो कैसे होगा 3 × 8 होगा। ये नहीं समझेगा कंफ्यूज करके, अगर ये कॉलम पहले देते रोज बाद में देते, अब गलत क्या जाए, रोज पहले और कॉलम बाद में आएगा, तो मतलब हमारे पास फार्मूला है m × n वाला, इसको रो कंसिडर करते हैं, इसको कॉलम, तो इस तरीके से ही ऑर्डर में लिखेंगे। सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज डैश? राइट आंसर इज ए, अगली। एंड x + 10 = 15, व्हाट विल बी x? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। कैसे देखिए, x + 10 = 15, x = 15 - 10, x = 5, तो ये 5 हो गया। मेरी अभी आंखें बंद हो रही है नींद के मारे। खैर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज डैश? राइट आंसर इज c³ मीटर, यानी कि मीटर क्यूब, मतलब इस तरीके से m³। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज? राइट आंसर इसका है lt - 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b? इसका राइट आंसर हो जाएगा a·b = a·n·p, cos थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बॉयल्स आर स्टेट्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस में क्या करता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। रूट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है? आंसर SB लीटर। मुझे भी ये अजीब सा लग रहा था कि कैपेसिटी का लीटर कैसे होगा, लेकिन मैंने सर्च किया तो लीटर आ रहा था, लेकिन फिर भी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मेक श्योर कि करेक्ट हूँ।
फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा अगेन एंड अगेन बहुत बार मिल्क में आ चुका है, अभी आई थिंक में भी आ चुका होगा, तो उसका सेम आंसर है Na2CO3 10H2। हाँ, सो देयर फॉर दिस वीडियो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आई थॉट दिखा देते हैं एक लोग फील कर लें अगर आप लोग में की टेस्ट में है। तो ये वाले मैंने लिंक शेयर किया हुआ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप चाहें तो ये फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपनी जो है आपकी मार्क्स हैं, यहाँ पे देखें ये तो टेस्ट स्कोर है, मेट्रिक का है, फर्स्ट ईयर का है, तो हम इसे सिलेक्ट करें, इस तरीके से करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है रूरल उमर कोट है, तो मैं जाके नीचे उमर कोट सिलेक्ट करती हूँ, अर्बन और रूरल है तो मैं जाके यहाँ पे रूरल सिलेक्ट कर लेती हूँ। सीपीएन आपका ऑटोमेटिकली हो जाए, इम्प्रूव वालों का मैंने अभी सेट नहीं किया हुआ क्योंकि उनका भी ये ईयर वगैरह भी काउंट हो, मैं उनसे डिस्कस कर लूँगी वो बाद में, अभी मैंने फिर उनको बोला हुआ कि प्रिफर्ड डिपार्टमेंट वगैरह भी अपना लिखते सब, तो अगर आप करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।